व्यवस्था है महाराज। एक संसारी के घर में दो मेहमान पहुंच जाते हैं तो रसोई के बर्तन खटखट होने लगते हैं। कहां गए थे? बोले थोड़ा बीकानेर गए थे। किस लिए? बोले मेहमान आए हैं, पर यहां कितने लोग आ जाए पता ही नहीं चलता कि कब रसोई बन गई, कहां बन रही है। यानी संत के अनुकूल साधु यदि खिलाता है तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। ये मार्ग है। परंतु जो बीमारगी है, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। महादेव तो महादेव है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बोले जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझान हो प्राण। नीतिकार ने तो थोड़ा मर्यादा रखी। नीतिकार ने तो ये कहा, एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्मा ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। नीतिकार ने बड़ी मर्यादा रखी, केवल उनको पशु कह दिया। परंतु ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रामचरितमानस है, रामचरितमानस, इसमें महादेव ने मोहर लगाई हुई है। सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर लगी हुई है। और स्वयं महादेव जो प्रमाण करने वाले, जो प्रधान संपादक हैं, और वो कह रहे हैं कि जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझान हो प्राण। वो मनुष्य कैसा है? नागी किया घरी का भजन, अरे नाली फकीरों की दुआ, पैदा हुआ खाया पिया और मर गया तो क्या हुआ। वो जीने को जी रहे हैं मगर जिंदगी नहीं, चलते हुए दिए हैं जिनमें रोशनी। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता बिमारगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधाग्नि दग्धा, दिन रात आग जलते रहते हैं, बात बात पे भड़क जाते हैं, तमक जाते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च, मनसन्यत वचसन्यत कर्मन्यत दुरात्मना। आगे आप सुनेंगे दसम स्कंद में, जब नारद जी भगवान की गृहस्थी का दर्शन करने के लिए हम सबके प्रतिनिधि बन के गए, नारद जी को क्या संदेश। और जब नारद जी गए, नारद जी ने देखा, देखने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, नाथ आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? संसार मरा जा रहा है, संसार में यदि एक पत्नी किसी को शादी हो जाए तो बेचारा मुस्कुराता नहीं है, उसकी मुस्कुराहट चली जाती है। और आप 16108 के बीच में आपकी बंसी चैन की बजती है, कारण क्या है बता तो दो समाज को। तब भगवान ने कहा, नारद ब्रह्म धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता। नारद मैं धर्म का वक्ता हूं, धर्म का प्रवक्ता हूं, मैं धर्म की व्याख्या जानता हूं, परंतु मैं जो कहता हूं वही करता हूं, ये मेरी प्रसन्नता का राज है। यदि संसार सुखी होना चाहता है तो कहना, जो कहना है वही करना, यदि करना और कथना दोनों में अंतर ना हो तो संसार सुखी हो जाएगा। हम दुखी क्यों होते हैं? हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, इसलिए हम दुख को निमंत्रण दे देते हैं, उसे समय मिल जाता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। यही बात रामचरितमानस में
रघुनाथ जी ने रावण के समक्ष कही। जब रावण लंबी चौड़ी हांक रहा था, आज मैं सबका बैर निभाऊंगा, भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जनि जल्पना करी सुजसना सही नीत जान करही क्षमा, संसार महु पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनसु समा। रावण, संसार में तीन प्रकार के पुरुष हैं, एक गुलाब की तरह है, एक आम की तरह है और एक कटहल की तरह है। गुलाब में फूल आता है, फल नहीं लगता। हमको तो आज तक नहीं दिखाई दिया, किसी को दिखाई पड़े तो हो सकता है, फल नहीं लगता, केवल फूलता है। यानी जो कहता रहता है, करता कुछ भी नहीं, वो केवल फूलता है। रावण यही तो था। रावण केवल कहता था, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करो, वैसा करो, पर खुद अपने जीवन में कुछ नहीं उतारता। एक फूल की, गुलाब के फूल की तरह केवल कहते हैं, करते कुछ भी नहीं, पर एक आम की तरह है, जो कहते भी हैं और करते भी हैं। आम में फूल भी आता है और फल भी लगता है, पर जो तीसरे नंबर के महापुरुष हैं, ये संत का जीवन है। कुछ कहते नहीं है, वो कटहल की तरह, कटहल में फूल नहीं लगता, कटहल में फूल नहीं लगता, कटहल में सिर्फ फल लगता है। ये सबसे श्रेष्ठ जिनका जीवन है वो कटहल की तरह होते हैं, कहते कुछ नहीं है, केवल करते हैं, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो आया उसको कर डालते हैं, कहते नहीं है अगले साल मैं ऐसा करूंगा। अरे अगले साल तुम्हारे हाथ में कहां, पल भी नहीं है, कल की बात करते हो। भूत और भविष्य ये सिर्फ कल्पना है, यदि हमारे हाथ में है तो आज है, वर्तमान है। इसलिए हमें प्रारंभिक शिक्षा में यही पढ़ाया जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय करेगो बहुरी करोगे कब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे। पर जो प्रमादी है, प्रमादी तो कहता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। ये प्रमाद का लक्षण है, और प्रमादी व्यक्ति केवल कहता है, करता कुछ नहीं। महाराज कुटिलाश्च, जो कुटिल है, कहते कुछ है, करते कुछ है, जब से कुटिलता ज्यादा बढ़ गई तब से ही ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट अटैक है, ये कुटिलता की देन है। जब मन में कुछ होगा, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, सब डिपेंड होगा, तो जो जैसे तबला है, अब तबला मात्रा पे चलता है, अब हारमोनियम अलग बजे, वायलिन अलग बजे, तो तबला क्या करेगा, तबला का स्वर गड़बड़ाएगा। तो ये जो हार्ट है हमारा, ये मात्रा पर चलता है, इसकी मात्रा सेट है, और जब हम मन से, वचन से, कर्म से अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाते हैं, यानी हारमोनियम अलग बजने लगती है, वायलिन अलग बजने लगता है, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो इसकी जो ताल है उसमें फर्क आ जाता है, और उसी का नाम है ब्लड प्रेशर, उसी का नाम है हार्ट अटैक।
आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले कभी माताओं बहनों को हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती थी, पुरुषों को भी बहुत कम, कोई बिरला, पर आज देखो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, नया से नया हॉस्पिटल बन रहा है हार्ट के लिए, और माताओं बहनों का भी हार्ट फेल हो रहा है। क्यों? जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता है और हमारे हृदय में कुटिलता आती है, वैसे वैसे बीमारियों को हम निमंत्रण दे देते हैं। कुटिलास्य कामिनः, नाना प्रकार की जो वासनाएं हैं, ऐसे लोग भी यदि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लें तो सनकादिक कह रहे हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, वो पवित्र हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं वो मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति ऐसे नहीं मिलती महाराज, इतनी सस्ती ना है। वो पवित्र होंगे, पुण्यात्मा होंगे, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और फिर स्वर्ग से जब देवताओं के द्वारा छिन्ने पुण्य मृत्युलोक के विसंति, वहां से धक्का दे दिया जाएगा, फिर मृत्युलोक में आकर के निष्काम भाव से भगवान का जब स्मरण करते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। कामना के द्वारा स्वर्ग तो प्राप्त होता है, पर कामना के द्वारा भगवान का धाम नहीं प्राप्त होता, चाहे वो शिवलोक हो चाहे वो विष्णु लोक हो। अगले क्रम में पंचोग्र पापा छल छद मकारिणा कूरा पिसाचा युव निर्दयाश्च, जो 5 महापात की बताए गए, ब्रह्महत्या, गोहत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, ये 4 ने तो कुछ किया, पर जो वो 5वें नंबर को जिसको इसमें ले लिया गया लिस्ट में, उसने गोहत्या नहीं करी, उसने ब्रह्महत्या नहीं करी, उसने चोरी नहीं करी, उसने मदिरापान नहीं किया, पर इन 4 का संग किया। जैसे कहीं जुआ हो रहा हो तो जो खेल रहे हैं वो तो है ही, पर जो साथ में बगल से खड़े तमाशा देख रहे हैं, और यदि पुलिस आएगी पकड़ में जो आएगा तो केस तो अलग अलग नहीं चलेगा ना, कि मैं तो देख रहा था साहब, मैं तो खेल नहीं रहा था, देख रहा था। जो खेलने वाले पर केस चलेगा वही देखने वाले पर भी चलेगा। संग के द्वारा वो 5वें नंबर का महापद किया कुछ नहीं, इसलिए बार बार हमारे संत महापुरुष इसलिए कहते हैं कि भैया सत्संग करो। पहला वाक्य भगवान कपिल का जब मां को समझाते हुए, पहला बात, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति गत कर्ण रसायन कथा। मां सताम प्रसंगाम, सज्जनों का संग, सत का संग, सत हरि भजन जगत सब सपना। हम लोग सत्यनारायण की पूजा तो करते हैं, सत्यनारायण का व्रत भी करते हैं, पर सत्य का संग नहीं करते। जगह जगह लिखा हुआ है सत्संग सत्संग, पर आज कलयुग में भी सत्संग की परिभाषा बदल गई, जहां वेद की निंदा होती है, साधु की निंदा होती है, गऊ की निंदा होती है, सती की निंदा होती है, पुराणों की निंदा होती है, उन जगहों पर कलयुग में लिखा है सत्संग भवन। रोड के किनारे निकलो महाराज, इतनी लंबी चौड़ी जगहें हैं, पता नहीं उनको कैसे मिल जाती है। साधु को एक आश्रम बनाना हो तो बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। अब बताओ, जहां सत्य का विरोध होता हो वो सत्संग कैसे हो सकता है? पर ये कलयुग का प्रभाव है हमारा।
संघ का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे जीवन में संगत और पंगत दो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन दोनों को ठीक करने के लिए हमें संत के पास जाना पड़ेगा। जैसे बीमारी लगती है तो कोई कितना अविश्वासी हो डॉक्टर के प्रति, पर यदि बीमारी को ठीक करना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, यदि उसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए तो संतों के पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि संत के संग से सत्संग का लाभ होगा। जो सत्संग है उसकी व्याख्या समझ में आएगी। सत क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा का संग कौन कराएगा? सदगुरु कराता है ना संबंध, ब्रह्म संबंध, वही तो सत्संग है। और महाराज पंचोग्न पापा छल छद मकारिणा कूरा पिशाचा यम निर्दयाश्च ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभचार कारिणा सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। कैसा भी पातकी क्यों ना हो, कोई पिशाच योनि में क्यों ना प्राप्त हो गया हो, वो भी कलयुग में सात दिन की भागवत श्रवण करके वो भी पुण्य को प्राप्त करेगा, पुण्यात्मा होगा, पवित्र हो जाएगा। क्योंकि पवित्रता नितांत आवश्यक है। मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, धन की पवित्रता, आंखों की पवित्रता, कान की पवित्रता, हाथ की पवित्रता, पैर की पवित्रता, शीश की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, ये तभी होगी जब हम भागवत की शरणागत हों। भागवत का मतलब जो भगवान का, ये जो संत महापुरुष बैठे हैं ये भागवत है। जो भगवान का भजन करता है वो भागवत, और भगवान जिसका भजन करते हैं वो महाभागवत। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी को व्यासाम्बरीश सुख सौनक भुवीष्मदाल व्याम रुकमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवता नमः। ये द्वादश महाभागवत हैं जिनका भजन भगवान करते हैं, और जो भगवान का भजन करते हैं वो भागवत है। जिनका भगवान के साथ में शाश्वत संबंध जुड़ चुका है, ऐसे संतों की चरणाश्रित, ऐसे संतों का आश्रय, यही भागवत का आश्रय है। खाली हम सोचें कि हमने कथा सुन ली और संतों के प्रति भावना हो, अनादर की भावना हो, उपेक्षा की भावना हो, हमने तो भागवत सुन ली, अब तो मुक्ति हमारे हाथ में, कन्फर्म टिकट है, ये अज्ञानता है। शरणागति को ही भागवत कहते हैं। आगे आप सुनेंगे तो ऐसे भी पात की सप्ताह की कथा श्रवण करके मुक्त हो जाते हैं। उसी क्रम में आत्मदेव पंडित जी की कथा सुना दी। क्योंकि सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति महारानी के दुख का निवारण हुआ, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भक्ति भगवान की प्रिया है, भगवान की दासी है। किसी और का भी कल्याण हुआ हो तो वह हम जाने कि भागवत की महिमा है। आत्मदेव जी की कथा सुना दी। महान विद्वान है, वेद जिनके जीवन में दिखाई देता, आचारवान पुरुष सयेव वेद, उनकी पत्नी का नाम धुंधली, लोकवार्ता रता कूरा, दिन रात दुनियादारी की बातों में लगी रहती,
पंडित जी अपना भजन करते हैं, पर यह संसार है बड़ा विलक्षण है, यहां किसी को पूरा नहीं मिलता, संसार अधूरा है। अभाव ये जीव साथ में लेके पैदा होता है, प्रभाव परमात्मा साथ में लेके आता है, चाहे किसी रूप में आए, और स्वभाव साधु लेके पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं बाबा मुझे साधु बना दो, अरे बना नहीं जाता, ये तो बना बनाया आता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न हो, भजन करे कोई सूरमा जो करियाया। गीता में भगवान कह रहे हैं ना, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। स्वभाव संत लेकर के आता है, परमात्मा प्रभाव लेकर के आता है, और जीवात्मा अभाव लेके पैदा होता है। कितना कुछ हो जाए पर जीवन में कोई न कोई कमी उसके खटकती रहती है। यहां सब कुछ है आत्मदेव जी के पास में, पर एगो ललनवा बिन घरवा बेकार लागेला। एगो ललनवा बिन घरवा बेकार लागेला। संसारी को हो जाती है, हाय 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 हाय, विचार किया गृहस्थ जीवन में बिना पुत्र के सदगति कहां, मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा, और महाराज अंत में निर्णय किया
कि अब संसार में रहना ठीक नहीं, जंगल चले गए। जब जंगल पहुंचे तो भगवान की कृपा का दर्शन हो गया, संत का दर्शन, भगवान की कृपा। सरोवर में जैसे निकट पहुंचे तो महात्मा पंडित जी को देख के आश्चर्य में पड़ गए, यार घनघोर जंगल में भीड़ में कैसे। और आत्मदेव जी महात्मा जी को देख के आश्चर्य में पड़ गए, चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा, कैसे पंडित जी यहां कैसे भटक रहे हो। आत्मदेव जी ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी, पूरी व्यथा। महाराज, मया पालते धेनु, मैं यदि कोई गाय भी पालन करता हूं वो भी गाभिन नहीं होती, यदि खरीद के बाजार से भी लेके आता हूं तो खूंटा में बांधते उसका बछड़ा खत्म हो जाता है।